हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी क्रिएटिव विद कृति। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूं पिजन के ऑल इन वन सुपर कुकर का, जो कि 3-in-1 कुकर है और इसे मैंने लोकली परचेस किया हुआ है। तो आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ डू एंड डोंट्स कि हमें प्रेशर कुकर यूज़ करते समय क्या डू और डोंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो ये है पिजन का ऑल इन वन प्रेशर कुकर। इसकी पैकेजिंग मैं खोलती हूँ और इसे हम खोल के निकालते हैं, इसके सारे पार्ट्स देखते हैं क्या है और इसकी फंक्शनिंग कैसी है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये इन्होंने दिया है यहाँ पे वारंटी कार्ड, और उसके साथ में ही दिया है इन्होंने ये मैनुअल। उसमें उन्होंने आपके प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताए हैं, डू डोंट्स बताए हैं। ये है इसकी सबसे पहली लिड, जो कि है स्ट्रेनिंग लिड, और इसके बाद में इन्होंने दी है ये दूसरी लिड, ये सर्विंग लिड है, और ये ऊपर से लगाने के लिए है, और इसके बाद में इनका ये तीसरा लिड है, ये है प्रेशर कुकर की लिड। ये देखिए, ये सब स्टेनलेस स्टील की है, और ये है हमारा पॉट। इन्होंने बताया है यहाँ पर कि एनोडाइज्ड कोटिंग है इस पर, और ये पीछे जो है ये इंडक्शन के लिए भी कंपैटिबल है। तो ये पॉट है। अब चलिए एक एक करके इनके फीचर्स देखते हैं। तो ये इसके तीन कंपोनेंट हो गए, ये पॉट हो गया, और इसके साथ में इन्होंने ये पॉट हो गया। ये देखिए, ये सर्विंग लिड इस तरह से है, यानी कि जब आप सर्व करते हैं कुछ तो आप इसे कवर करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ द सर्विंग लिड, और इसके साथ में इन्होंने कोटिंग बताई है कि एनोडाइज्ड कोटिंग है इसकी, और बाकी के जो इन्होंने लिड्स दी हैं ये स्टेनलेस स्टील की लिड्स दी हुई हैं। ये स्ट्रेनिंग लिड है, इस पे इन्होंने यहाँ पर इस तरह से देखिए होल्स दिए हुए हैं, ताकि अगर गरम गरम आपने इसमें कुछ भी लिक्विड या गरम कोई चीज़ इसमें बॉईल की है तो आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी ये फिट हो जाती है इस पे और निकलती नहीं है, और इस तरह से इसे अलग कर सकते हैं। ये है प्रेशर कुकर की लिड, और ये अब मैं आपको इस पे फिट करके बताऊंगी कि कैसी लिड है। लेकिन इससे पहले ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये रबर लगाने के लिए, वॉल्व दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील की लिड है, और देखने में स्टाइलिश भी है। तो इसे थोड़ा ट्रिकी है बंद करना। इसे बंद करने के लिए सबसे पहले इस पे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके बाद में इसे घुमाना पड़ता है। तो ये इस तरह से बंद होगी। तो ये 3-in-1 प्रेशर कुकर है, और इसमें बहुत आसानी से राइस, चावल, बिरयानी, ये सब बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। मैंने देखा था इसका डेमो और मुझे इसका लुक भी बहुत अच्छा लगा था, तो ये अच्छा है। बट अभी मैं आपको इसके डू एंड डोंट्स बताती हूँ कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इसको पूरी कैपेसिटी में नहीं फिल करना है, यानी मैक्सिमम हाफ कैपेसिटी में इन केस ऑफ लिक्विड एंड 2/3 कैपेसिटी में इन केस ऑफ सॉलिड ही इसे फिल करना है। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखिए कि गैस्केट जो है उसे 6 मंथ्स में एक बार रिप्लेस ज़रूर कर दीजिए, या फिर अगर आपको लगे कि वॉर्न आउट हो गया है तो इसे रिप्लेस कर दीजिए। उसके साथ ही में सेफ्टी प्लग को साल में एक बार रिप्लेस ज़रूर कीजिएगा। लिड को तभी खोलिएगा जब अंदर का प्रेशर जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप डाउन हो जाए, और इसे किसी भी स्क्रब या खुरदरे स्पंज के साथ मत साफ कीजिए। इसे बहुत ही सॉफ्ट स्पंज के साथ में या क्लॉथ के साथ में ही साफ कीजिएगा। और प्रेशर कुकर को, और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, उसी
उसके बाद ही इसे रिंस वाटर में डालिएगा, यानी कि ठंडा होने के पहले इसे वाटर में रिंस मत कीजिए। अब हम देखते हैं कि इसके डूज़ क्या क्या हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुकर को कभी भी खाली किसी हीट सोर्स पे, यानी कि गैस या इंडक्शन पे कभी भी खाली मत छोड़िएगा, इसे हमेशा फिल करके ही डालिएगा। दूसरा ये है कि कुकर प्रेशर को कभी भी फुल कैपेसिटी में फिल मत कीजिए, यानी कि जैसा बताया था आपको लिक्विड और सॉलिड के लिए उसी कैपेसिटी में इसे फिल करें, कभी 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 भी फुल कैपेसिटी में ना भरें। तीसरा, अगर अंदर आपको लगता है कि प्रेशर बिल्डअप है अभी भी तो लिड को कभी भी ओपन ना करें। चौथा ये है कि अगर आपको लगता है कि अंदर प्रेशर है तो उसे कभी भी रिम को ऊपर से टैप मत करें किसी भी झारे से या किसी भी बर्तन से। और चूँकि इसकी पॉट की सरफेस जो है उस पर एनोडाइज्ड कोटिंग है, इसलिए कभी किसी शार्प एज वाले यूटेंसिल से उसे मत चलाएं। नॉनस्टिक वेयर में चलाने वाले जो आपके झारे मिलते हैं या फिर वुडन का जो झारा होता है उसे चलाएं। डिशवॉशर में इसे क्लीन ना करें और इसे क्लीन करने के लिए स्पंज या नायलॉन स्क्रब का ही यूज़ करें। सो दीज वर द डोंट्स। इसे ख़रीदने के पहले मैंने अमेज़न पे इसके रिव्यूज़ देखे थे, कुछ रिव्यूज़ पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव भी थे। नेगेटिव रिव्यूज़ से मुझे थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि इसकी लिड सही तरीके से काम नहीं कर रही है और प्रेशर वॉल्व जो है वो उड़ गया, तो मुझे थोड़ा कंसर्न तो है इसे यूज़ करने में, बट आई होप इट विल सेफ टू यूज़। मैं इसे यूज़ करने के बाद आपको ज़रूर इसका आफ्टर रिव्यू बताऊंगी कि ये कैसा था और ये कितना सेफ़ है और इसमें मैंने क्या क्या कुक किया। बट आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।